जी हाँ, जे आर कॉन्वेंट दोन में सत्र 20-21-22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक आज ही संपर्क करें। जे आर कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी, दोन, दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118, 9576466461। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। सिवान शहर के रामदेव नगर में रविवार को DAV PG कॉलेज के रसायन विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर रामचंद्र सिंह सुरसरिया द्वारा लिखित श्री रामचंद्रायन ग्रंथ पर परिचर्चा आयोजित हुई। बताते चले कि स्वत प्रकाशन द्वारा प्रकाशित श्री रामचंद्रायन के प्रकाशक मंडल के सदस्य कृष्णकांत ओझा व इस ग्रंथ के रचयिता डॉक्टर प्रोफेसर रामचंद्र सिंह ने इस पुस्तक की महत्ता पर चर्चा की। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुस्तक के बारे में पद्म विभूषण श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य ने लिखा है, जिससे इस पुस्तक की महत्ता और बढ़ जाती है। तब के बाद रामचंद्र श्री रामचंद्रायन आपके बीच आया है, प्रकाशित हो चुका है। रामचंद्रायन की खासियत क्या है? यह राम कथा जो मूल रूप से वाल्मीकि रचित जो रामायण है, उसी से तत्व को लेकर के जितने राम कथाएं रची गई हैं, चाहे राम चरितमानस हो या जितने 200-250 जो राम कथाएं हैं लिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें वाल्मीकि रामायण संपूर्ण रूप में नहीं दिखता है। अवधि में, जिसे हम हिंदी का ही मान करके कहें, रामचरितमानस है, अपूर्व ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है, और उस कालखंड में राम कथा के माध्यम से भारत के पुरुषार्थ को जागृत करने वाला ग्रंथ है। लेकिन यह श्री रामचंद्रायन जो अभी की जो बोली है, खड़ी बोली हिंदी, इसमें हमारे समझ से अभी तक हम लोगों ने जो शोध किया है, पता किया है, उसमें श्री रामचंद्रायन संपूर्ण राम कथा, मतलब उनके आविर्भाव, मतलब उनके अवतरण से लेकर के उनके वैकुंठ धाम गमन तक के जो उनका जीवन चरित है, इसमें चतुष्टय पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन मिलता है, जिसमें मर्यादा स्थापित होती है। ये संपूर्ण वर्णन राम कथा जो श्री रामचंद्रायन है, इसमें है और हिंदी में है। हिंदी में इस प्रकार का ग्रंथ, अद्भुत ग्रंथ, अपूर्व ग्रंथ, हमारे समझ से ये पहला ग्रंथ है जिसमें राम कथा संपूर्ण रूप में इसका वर्णन किया गया है, पद्य में है, और इसमें लोक की जो परंपरा, गायन की परंपरा रही है, ये संपूर्ण रूप में दिखाई पड़ा है। जब हमें प्रकाशन के लिए आपका आशीर्वाद मिला और परमात्मा की कृपा से प्रकाशित करने की जब बात आई, तो हमारे जो संपादन टोली है, जिसमें अध्यक्ष श्री राकेश प्रवीर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जयमंगल देव जी हैं, और हिंदी के बड़े विद्वान तिवारी जी, ये सारे लोगों ने मिलकर के कहा कि इसकी प्रस्तुति इस रूप में होनी चाहिए, ताकि संपूर्ण ग्रंथ को नहीं पढ़ने क्या जिसको समय मिले वह भी इसको देख ले। तो इसके विषय सूची को फिर से समायोजित किया गया, और हम लोगों ने जो एक आइडिया ग्रहण किया था पूरे ग्रंथ को देखने के बाद में, उस आइडिया से आदरणीय श्री राम चंद्र सिंह जी को, प्रोफेसर साहब को, हम लोगों ने अवगत कराया, और इसके बाद फिर से एक महीना या इससे ज्यादा समय लेकर के आपने पूरा अध्ययन करके पूरे परिश्रम के साथ इसके विषय सूची का आपने निर्माण किया, जिसमें कहीं न कहीं वाल्मीकि रामायण जो की जो प्रस्तुति है उसकी छवि दिखती है, और यह ग्रंथ हमारे बीच है। अभी इसका लोकार्पण नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि यह विषय बुद्धिजीवियों का, साहित्यकारों का, पत्रकारों का है, इसलिए आपके बीच प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि आपके लेखन के लिए, आपको आपकी प्रस्तुति के लिए बहुत ही प्रासंगिक विषय है, क्योंकि राम, भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण के माध्यम से उनके विराट व्यक्तित्व, उनके पुरुषार्थ को सामने लाने का जो एक प्रयास शुरू किया गया है, उस प्रयास में इस प्रकार के ग्रंथ का की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस प्रकार के ग्रंथों का योगदान बहुत श्रेष्ठ हो सकता है,
इस निमित्त हम लोगों ने चाहा कि क्योंकि आदरणीय प्रोफेसर रामचंद्र सिंह जी का यह पुरुषार्थ का क्षेत्र है, जन्मस्थान है, कर्मभूमि है, तो यहीं से यहाँ के जो जितने बुद्धिजीवी हैं, जितने पत्रकार हैं, इसके बारे में जानें, समझें, और समझने के बाद में यहाँ से एक अभियान चले कि भगवान श्री राम के दिव्य जीवन को, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुष्टय पुरुषार्थ की प्राप्ति का एक मॉडल मिलता है और मर्यादा को फिर से स्थापित करने का एक मॉडल मिलता है, तो सुशासन का जो मॉडल, जिसको राम राज्य के माध्यम से जब सुशासन देने की बात आई थी, तो आज़ादी के लड़ाई के दिनों में या आज़ाद होने के बाद में महात्मा गांधी जैसे विचारक, चिंतक को राम राज्य कह करके और उस पूरे भावना, उस पूरे विचार को व्यक्त करना पड़ा था, तो ऐसे राम के चरित्र को फिर से लोगों के सामने लाने का एक प्रयास है, श्रेष्ठ प्रयास है। मैं आदरणीय श्री रामचंद्र जी, प्रोफेसर रामचंद्र जी से निवेदन करता हूँ कि वे, चूंकि इस पूरे ग्रंथ को की रचना करने में इन्होंने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग इसमें जिया है, राम कथा को किस रूप में प्रस्तुत किया जाए, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्रामाणिकता भी है, तत्व बोध भी है, प्रामाणिकता है, और प्रामाणिकता के साथ साथ इसको लोक में प्रस्तुत करने की क्षमता भी है, लोक ग्राह्य भी है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि लोक परंपरा जो है राम कथा या किसी श्रेष्ठ महापुरुष की कथा को प्रस्तुत करने की जो लोक कथा जो है, लोक गायन की परंपरा है, उसका भी एक श्रेष्ठ परंपरा की झलक मिलती है। जो राम कथा के सबसे बड़े मर्मज्ञ रामभद्राचार्य जी महाराज ने इस पूरे ग्रंथ को देखा और इसका बहुत शुद्ध रूप में उन्होंने इसका प्राकथन भी किया है, लिखा है काव्य में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इस ग्रंथ के लिए एक आशीर्वाद कहिए या जो भी राम, आप देखेंगे राम भद्राचार्य जी महाराज का है ये, उसी से राम इन्हीं से हुआ है, नमो राघवाय, इसमें परम विभूषण राम भद्राचार्य जी और क्या क्या तुलसी पीठाधीश्वर रामानंदाचार्य। तो हम जो लेखोक्ति लिखे हैं उसी का थोड़ा सा हम सुना देते हैं, बाकी प्रति मिलेगी तो आप लोग पढ़िएगा, ऐसी में जितना हम कहना चाहते हैं सब। महर्षि वाल्मीकि जी श्री रामचंद्र के समकालीन थे, महर्षि ने श्री राम के चरित्र को जांचा परखा और उस पर शोध कार्य किया, पूर्ण संतुष्ट होकर महर्षि ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना की। बाद के दिनों में रामायण के आधार पर विभिन्न देशी एवं विदेशी भाषाओं में राम गाथा पर अनेक काव्य महाकाव्य लिखे गए जो लोकप्रिय भी हुए। फिर भी इन रचनाओं में भाषा क्लिष्टता के कारण भाष्य रचना के क्रम में आए थे, कभी 10 मिनट के लिए आते थे, बात शुरू होती थी तो 10 मिनट को भी कभी आधे घंटे कभी एक घंटे में बदल जाता था, और इसका रसपान उस समय से जब छोटे छोटे टुकड़ों में कभी इसको थोड़ा थोड़ा जो सुनते गया उससे होते गया, और अभी जैसा उन्होंने कहा किताब तो एक है लेकिन जितने रस हम लोगों ने पढ़े हैं सबके लिए उदाहरण यहाँ मौजूद है, और एक शाश्वत हम लोग संगीत शाखाओं में गीत गाते हैं, किसी सत्य को विविध पक्ष से वेदों में हमने गाया था, निकट बिठाकर उसी तथ्य को उपनिषदों में समझाया था, मंदिर मठ गुरु द्वारे जाकर यही ज्ञान सत्संग मिलेगा, तो मुझे लगा कि वो देव भाषा से जो प्रवाह शुरू हुआ आज हम लोगों को अपनी भाषा में उपलब्ध कराने का ये एक अवसर रामचंद्र बाबू ने दिया, ये इनकी भी कृपा है और इन पर भगवत की कृपा है, सरस्वती का प्रवाह जो बना और साहित्य के रूप में उपलब्ध है, हम इनको कोटिशः बड़े भाई हैं, प्रणाम ही करेंगे, लेकिन जो लोग इसका रस लेंगे उनको आनंद की अनुभूति होगी और उसका भी पुण्य इनको प्राप्त होता रहेगा, इसी सब साथ में अपने भाई को प्रणाम।